सो गाइज, हम सौरभ जोशी जैसे बाल तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने सोचा चश्मा लगा लेते हैं। पूजा कर रही थी हाँ। में तूफान आया, बोल रहे बड़ा बचने लगी, घंटिया बजने लगी, अपने माता अपने स्थान से चली गई है। मम्मा आया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं सौरभ जोशी वाला थोड़ा सा एक्टअप करने वाली हूँ, एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर प्योरली फन। बहुत ही बकवास किया जो भी मैंने किया, बट इट वाज फन रिकॉर्डिंग दिस होल व्लॉग, सो एंजॉय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम सौरभ जोशी जैसी एक्टिंग करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 बज चुके हैं। तो आज मम्मा ने बोला है कि मंदिर जाना है, तो मैं रेडी वेडी हो गई हूँ। लेकिन मम्मा को ये कुर्ता ना पसंद नहीं आ रहा, तो चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर में ना। सबसे पहले माऊ को हाय कर लेते हैं। माऊ से हाय। माऊ, आपने मुँह क्यों बनाया ऐसे? तो पता नहीं ये व्लॉग कैसा जाएगा, मैं भूल गई थी सुबह की मुझे एक्टिंग करनी है। तो कोशिश करते हैं कि हम एक्टअप कर सके करते। सो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ, चेंज कर लिया है क्योंकि मम्मा को वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये वाला अच्छा लग जाए। तो गाइज चलते हैं, लेट हो गए हैं। इट्स सो सो फनी। ओके, बैक टू द ट्रैक। चले अम्मा। तो मम्मा को एक कुर्ता दिखा देती हूँ कि ये वाला ठीक है कि नहीं। ये वाला कुर्ता मम्मा पहनना है, ठीक है? हैं, ठीक ठीक लग रहा है क्या? अच्छा भी हो गया ना इसके साथ। ओके, लेट्स गो। तो ये वाला मम्मा को ठीक लग रहा है, दुपट्टा भी लेना है क्या? पापा इज आल्सो रेडी। पापा से हाय। नेट वाला ले लेती हूँ क्योंकि ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है। पैथेटिक व्लॉग ऑफ द ईयर। कौन सी भाषा है मम्मा? ये इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर ऐसे ही बात करता है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्ट हिम अप टुडे। तो अभी दुपट्टा ले लेते हैं और फिर जल्दी से मंदिर चलते हैं। सो गाइस, दुपट्टा तो नहीं मिला है, तो ये वाला शॉल ले लिया है। अभी मैंने चिया सीड्स अपने लिए रख लिए थे, तो सोच रही हूँ वो पी लेती हूँ। तो हाँ, फिर चलते हैं ना। सो ये चिया सीड्स का कुछ तो आज बन गया, पर हम पी लेंगे, ठीक है गाइस? गाइस, इसमें नींबू तो डाला ही नहीं, तो नींबू भी डाल लेते हैं। सो नींबू डाल लेते हैं। चिया सीड्स पी लूंगा तो फिर आके खा लूंगा। सो चिया सीड्स वाला पानी पी लेते हैं, ये ना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाइस। तो आप गाइस जरूर पिए और आप अपनी हेल्थ भी अच्छी बनाए, तो हम भी पी लेते हैं। अच्छा है, पहले तो आपने बोला था कि नेक्स्ट वन लेके जाएंगे, अब मम्मा बोल रहे हैं कि मारुति लेके जाएंगे क्योंकि तुझे गाड़ी चलाना आती नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा डायल नहीं मारने की जरूरत, तो मारुति में जाएंगे। ओके गाइस, आज हम मारुति लेके जा रहे हैं, तो चलो। क्या हो रहा है? भाषा तो सौरभ जोशी वाली बोल रही हूँ, ऐसे ही बात करते हैं मम्मा। गाइस को ऐसे ही बताते हैं पूरे दिन क्या क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है इरिटेटिंग ना हो रहा हूँ, प्लीज कमेंट्स में बता दो। बट या आई हैव टू एक्शन, तो चलते हैं, लेट हो रहा है, लेट्स गो। तो गाइस चाबी मिल चुकी है, बहुत टाइम लगा है, लेकिन मम्मा ने ढूंढ के दी है जैसे कि हमेशा होता है, क्योंकि मैं तो चीजें घुमा देती हूँ। तो चलो गाइस। सो गाइस, हम सौरभ जोशी जैसे बाल तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने सोचा चश्मा लगा लेते हैं, मे भी थोड़े थोड़े लगे। चलें, नेक्स्ट ऑन भी निकल जानी थी यार आराम से। फूल इसमें क्यों डाले? सो गाइज, नेक्सॉन आराम से निकल जाएगी, मारुति में तेल भी नहीं है, नेक्सॉन में तेल भराया था। तो गाइज हम नेक्सॉन लेके जा रहे हैं, तो चाबी मम्मा ला रहे हैं, तो चलो चलते हैं। चाबी दे दो, लेट हो गए हैं। ये वाली चाबी ले लो। सो गाइज, थोड़ी सी दिक्कत हुई है पर हमने निकाल ली है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो चलो चलते हैं। बैठो बैठो बैठो, व्लॉगिंग नहीं करेंगे, मिलते सीधा आपको लोकेशन पे जाके। लेटी थी होनी नहीं, आगे कर लो, मैं चप्पल ढूंढ रही थी। इधर से आ जाओ मासी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, खोलो खोलो। नमस्ते जी, तो मेरी छोटी मासी आ चुकी है। मासी से हाय। मासी हाय कर दो ऐसे करो।
इतना पैदल तो मैं नहीं चल पाऊंगी। तो गाइस यहाँ से मंदिर जाना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता ये है कि नहीं। तो फंस चुके हैं, जा सकते हैं ऊपर, जा सकते हैं। चलो तो ऑफ रोडिंग खतरनाक हो चुकी है, हैं? ठीक है, अभी जाते टाइम ले लेंगे। तो अभी गाड़ी लगा चुके हम यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, यहाँ पे लगी है। यहाँ से पैदल चल के पता नहीं कितनी दूर जाना है। घर वालों को बड़ा ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई है, तो गाइस पैदल चलते हैं। चलो, रास्ता तो वैसे ख़तरनाक ही था जहाँ से हम आए, वीडियो तो मैं बना नहीं पाई। मुझे ऐसा था कि मैं मतलब चला भी पाऊँगी कि नहीं, पर मुझे कॉन्फिडेंस तो था गाइस, तो मैंने चला ली है। तो अब यहाँ पर लगा दिए, तो चलो अब ऊपर चलते हैं। वैसे वॉक ज़्यादा की नहीं है, मंदिर आ गए हैं। तो यहाँ की क्या स्टोरी है मम्मा, क्या हुआ? नहीं, माता आई थी, आप बोल रहे हो माता अपने स्थान से जा रही थी, बोरी में उदास हो गई उधर, हाँ? दूसरी जगह मैं चली जाऊंगी, मेरे मंदिर में कोई नहीं आता, नवरात्रों में सारे इधर उधर से चले जाते हैं दूर दूर, हाँ? मेरे मंदिर में। तो माता ने खुद बोला है? चौकी आई किसी, अच्छा। एक और तस्ती थी उधर, रोज आठ आठ दिन के बाद पूजा करती थी, अच्छा अच्छा। उसको चौकी आई, पूजा कर रही थी, हाँ? इतने में तूफान आया, बोले बड़ा, अच्छा। घंटियां बजने लगी, घंटियां बजने लगी, अपने माता अपने स्थान से चली गई है। मम्मा यार उधर जाके पूछते हैं भाई, हाँ? अच्छा। से दो एक कदम, हाँ? चली गई, पांव भी लगे उधर, पांव लगे। ओ भाई, वो वाली औरत थी ना, हाँ? अगर वो नहीं होती तो माता ने चले जाना था, उसके आगे ऐसे आगे उसके गोद में बैठ गई माता, तो उसने नहीं जाना। अच्छा, चलो चल के देखते हैं गाइस। टुंडा, और कहाँ पड़ी? बटल वालियाँ टुंडा में है ये मंदिर। चलो, ये काफी पुराना है वैसे टेम्पल। ये कुछ व्यू है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। चलो, सो गाइस थोड़ी सी हाइक आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे है। थोड़ी सी शूज लगा के आए, वैसे चप्पल में भी चलेगा, इन्हें चप्पल ही लगाई है। ये मंदिर है, यहाँ पे आप मूर्तियाँ देखोगे ना, अलग ही है यार आंखें। अच्छा, ये ऊपर थी, ऊपर। देखो यहाँ पे माता जी ना, अलग ही है। ये वाली मूर्ति पे नीचे उतरी है, ये वाली। कितने दिन हो गए? लास्ट नवरात्रे पे। आप पूरा बता सकते क्या हुआ था? अच्छा, वो कहाँ पे है अभी? वो आए थे सुबह, चलेगी। अच्छा, रोज आते हैं भी था, है ना? मंदिर तो बड़ा पुराना है पर कोई आता नहीं था, पर कम में। अच्छा, हाँ, अब जब से पता चला तब सारे आ रहे हैं। ये देखो, ऊपर थी मंदिर, नीचे उतर गई, वहाँ पे थी मूर्ति माता रानी की, यहाँ पे आ गई। काफी पुराना मंदिर है ये, काफी ज्यादा। नवरात्रों में ना ये जो दरवाजे लगे ना, ये खुले होते हैं, तो ये लास्ट नवरात्रे में माता रानी चल के यहाँ तक आ गई। कोई तो आंटी यहाँ पे पूजा कर रही थी, उन्होंने देखा माता रानी। यहाँ का व्यू तो मतलब नेक्स्ट ही लेवल है। Look at this. Wow. Wow. पूरा उधमपुर शहर ये वाला कितना प्यार लग रहा है, यहाँ पे कोई घर नहीं। ये सब पिंडी है ना, पहले से ही थी ये वाली। वैष्णो देवी की पिंडियाँ लग रही हैं ये पूरी। ये देखो, ये माता वहां से उतरी,
अगर आप देखोगे ना, मतलब आंखें जो माता की हैं वो अलग ही हैं यार। ये वाली माता यस। यहाँ पे चरण भी थे जहाँ पे माता उतरी थी। साफ करती है। कैसा लगा फिर मासी मंदिर में आके? अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है डैडी आप? बहुत बढ़िया जगह, व्यू तो बहुत अच्छा है। अभी गाइस हम मैं वापस से उस मोड में आती हूँ, तो अभी हम खाना भी लेके आए गाइस, तो वो वहाँ पे खाएंगे, यहीं पे खाएंगे, प्रक्रिमा ले लेते हैं। तो गाइस प्रक्रिमा तो हमने ली नहीं थी, तो वो भी ले लेते हैं और चलते हैं। पूरा दिखा देते हैं आपको 360। अच्छा, पंडित जी पहले थे वो शीशे तोड़ गए बचे गए। अच्छा, ये कारण अस एक भी बंद रहे करते। अच्छा, एक शीशे भी बंद रहे करते, मैं एक एक खुले, बाकी दो बंद करके थे, वो अच्छा लगा। अस बंद रहे करते, हम जा रहे हैं मंदिर से, नीचे पिकनिक होगी, घर वाले खाना वाना लेके आए हैं, तो कहीं जाके खाएंगे, तो चलो। जय माता दी। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। क्या बोलते हैं इनको? सो गाइस अभी घर वाले सुवाली के पत्ते ले रहे हैं, इससे क्या होता है सुवाली के पत्थर? पता नहीं क्या होते गाइस, इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में नहीं पता। तो गाइस इससे दर्द वर्द ठीक हो जाती है। पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, तो इससे हो जाएगा ठीक। मासी हंस रहे हैं, कर गया रही है लड़की। अगड़ी मूर्ति दिखी है देखो डैडी, शिव जी है। हाँ, कितनी प्यारी मूर्ति है यार, है ना? काली माता का मंदिर है ना वो। सो डैडी ये मलबरी खा रहे हैं, इसको बोलते तूत। कहाँ गए? देख नहीं रहे। मैंने भी खाने हैं आज, मैं खा रही हूँ तूत। मलबरी खाएंगे, यम, बहुत टेस्टी है यार। बहुत खाती थी मैं बचपन में। हमें फ्री में मिलते हैं जम्मू वालों, मासी चुन रहे हैं। मुंह थोड़ी काला होता है, बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। पिकनिक टाइम। तो गाइस अभी हम पिकनिक बना रहे हैं, किया किया खाएंगे, अरबी खट्टी वाली, आलू, ये खट्टे वाले हैं मेरे फेवरेट, पूड़ी भी है। तो पिकनिक अच्छे से करते, गाड़ी में कौन पिकनिक बनाता है यार। गाइस ये लोग पागल हो गए हैं, गाड़ी में ही खा रहे हैं, पर ऐसा ही होता है। मैंने प्लेटें भी लाई हैं, तो दिस इज द ब्रेकफास्ट। हम कुछ भी नहीं खा के आए, पापा लाइक गेडी का गेडी। काफी ज्यादा शेकी वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा माफी। मजा आ गया क्योंकि गाइस पापा वाज मेकिंग, सो ऑफ रोडिंग हो चुकी है गाइस, अब हम जा रहे हैं छोटा रोड। आना मासी भी ठीक है, बाय गाइस। मासी जा रहे हैं दरबार अपने घर। चलो मैं करना फोन ना, जो पूरे पूछ रहा ना। हां, सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, पार्किंग हो गई है। डैडी को देखना उसको दे। गाइस हम आपको आज अपने बशू से मिलाते हैं, इसका नाम क्या है? बशी, सॉरी बशी से मिलाते हैं। शुंद्रू शुंद्रू है ना ये, शुंद्रू शुंद्रू कुछ नो पार निकला अच्छी है गाइस हमारी। शुंद्रू शुंद्रू है गा, अच्छा नहीं है। सो गाइस 4:30 हो गए हैं, अभी ऑफिस का टाइम हो गया, तो अभी मैं लॉग इन करूंगी। और आगे मैं सो गई थी, सोई भी नहीं थी, जागी भी नहीं थी, पता नहीं क्या ही कर रही थी। कुछ तो कर रही थी, एडिटिंग वेडिटिंग कर रही थी, तो पीछे बहुत ही गंदे दिख रहा होगा। तो गाइज ये पैथेटिक सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी हम थोड़ा सा और शूट करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा व्लॉग हो गया, तो फिर मैं आपको कल नॉर्मल अपनी आवाज़ में मिलूँगी। आज भी बीच बीच में मंदिर में मैंने नॉर्मली बोला था,
क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो आई होप गाइज आपको मजा आया हो। तो मिलती हूँ। पथेटिक व्लॉग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे बात की है वो बहुत ही पथेटिक था। ऐसे तो व्लॉग तो काफी अच्छा था, मंदिर वगैरह तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो अगले ट्यूसडे को वहां पे भंडारा होगा, तो गाइज हो सके तो आप जरूर जाना, मैं भी देखूंगी, जाऊंगी और नॉर्मल व्लॉगिंग करूंगी। तो अभी ऑफिस करते हैं, बहुत ही ओके बाय। सो जिसको नहीं पता सौरभ जोशी कौन है तो वो जाके उसके व्लॉग्स देख लेना, तब आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं टैग कर दूंगी तो आप उसका चैनल भी देख लेना। सो शाम के 4 बज रहे हैं, मम्मा ने दूध और रस दिए हैं, ये हम खाएंगे थोड़ी देर में, मीटिंग चल रही है गाइस। सो फाइनली जो मैंने कल शूट किया था वो आज वीडियो लाइव गया, आई एम सो हैप्पी। अभी मैं बता देती हूँ, W फॉर वुमेन के लिए मेरा ये शूट था और फाइनली वीडियो लाइव जा चुकी है। पिछली बार भी शूट किया था लेकिन क्या हुआ था कि मैं भूल ही गई कि मुझे सौरभ जैसे जैसे बोलना है, बट हाँ अभी मूवमेंट को थोड़ा रिव्यू नहीं करते तो हाँ। तो मैं बोल रही थी कि क्या बोल रही थी यार, मैं भूल ही गई, ओ गॉड क्या बोल रही थी अम्मा मेरे सामने, ऐसा लग रहा है आप पीछे गंद बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा जूम करके मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। मैं ये बोल रही थी कि लास्ट टाइम भी शूट किया था लेकिन अप्रूव नहीं हुआ था बहुत चीजें, मतलब ऑब्वियसली ब्रांड वालों को बहुत परफेक्शन चाहिए होती है। तो इस बार माय वीडियो गॉट अप्रूव्ड एंड इट्स लाइव ऑन द ऑफिशियल पेज ऑफ W फॉर वुमन। आई एम सो हैप्पी। आप सो रहे होंगे इतने खुश क्यों हो रही है, बट यार ये छोटे छोटे आई थिंक स्टेप्स ही मैटर करते हैं। सो या इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लो और वहाँ पे जाके आप वो रील भी देख सकते हो। तो अभी 7:40 हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा ऑफिस भी करना है तो नॉर्मल मोड में आते हैं एंड सी यू रात को डिनर टाइम। फाइनली डिनर इज सर्व्ड। क्या बोलना चाहोगे मम्मा? क्या बोल सकती हूँ? सो द गाइज व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं बीच में बहुत ज्यादा इधर उधर हुई हूँ, आई नो दैट, बट आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। और ब्लॉग बहुत ही अच्छा था वैसे, काफ़ी कुछ हुआ आज। और मुझे इंस्टा फॉलो कर लो, मैंने जस्ट अभी खाना खाया। आई गो फॉर वॉक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए मजे मारो, बाय।